मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे कद्र के बारे में फरमाया कि मन हुरिमा फकद हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरम खैरहा इल्ला महरूम, कि जो इससे महरूम हो गया शबे कद्र से वो भलाई ही से महरूम हो गया, और भलाई से इस भलाई से वही महरूम हो सकता है जो एकदम महरूम हो। मैं उसको मिसाल देके समझाता हूं कि शबे कद्र का इतना बड़ा डिस्काउंट, मतलब एक रात का इतना बड़ा सवाब कर दिया जाए ताकि हमारे जो बंदे बहुत उतने अमल की ताकत नहीं रखते। क्या होता है कि जब एक दो दिन अमल करना होता है तो आदमी थोड़ा प्लान बना लिया करता है, भाई रोज और कभी कभी वाले में फर्क होता है, लोगों के यहाँ भी लोग भी नहीं कर पाते। कभी एक दिन किसी को कहीं रिसीव करने जाना हो, दो दिन जाना हो, तो आप आराम से कुछ छोड़ करके, कुछ तर्क करके, कुछ नींद दूध कुर्बान करके चले जाएंगे, लेकिन रोज नहीं जा पाएंगे, तो आदमी कुछ छोड़ के कर लेता है। तो ऐसे ही शबे कद्र का मामला है कि उसको कुछ खास कर दिया गया ताकि उतना वो कर सके, और उतना करने पे मतलब लामहदूद सवाब दिया है, लामहदूद सवाब दिया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि थोड़ा सा करना है और इतना ज्यादा पाना है, अगर किसी का ईमान इतना कमजोर है कि इसको भी नहीं पा सकता तो वो समझो कि वो काम से गया हुआ आदमी है। महरूम मतलब काम से गया हुआ आदमी। मिसाल के तौर पे कहीं सोने के सिक्के पट रहे हों, इसको दौड़ के मुझे चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, अगर बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मिल रहे हों तो जिसके अंदर जितनी पहुंचने की ताकत होगी जल्दी वो पहुंचेगा, यहाँ तक कि लंगड़ा भी होगा तो लंगड़ाते हुए पहुंचेगा, यहाँ तक कि हाथ पैर नहीं ऐसे पलट के जा सकता होगा, ऐसे लेटे लेटे पलट करके तो जाएगा, वही नहीं जाएगा जो इधर भी नहीं हो पाएगा, इधर भी नहीं हो पाएगा, ऐसे मतलब या तो मर गया होगा या कुछ हिल नहीं सकता, यही नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसकी भलाई नहीं हासिल कर सकते तो फिर हम महरूम हैं, हमारे अंदर कोई सलाहियत खत्म हो गई। यानी जैसे जबान मार दी जाती है बुखार की वजह से और फिर हमको कुछ पता नहीं चलता, मतलब अच्छी अच्छी चीजों को हम ऐसे हटा देते हैं हाथ से, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन नेमतें हमारे पास आती हैं, पानी आता है, खाना आता है, लेकिन बुखार ने हमारी जुबान के जायके को, उसकी सलाहियत को इतना मार दिया है कि हम अच्छी अच्छी चीजों को हटा देते हैं। ऐसे गोया हमारे दिल की सलाहियत मार दी गई है कि हम इतनी अजीम चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं।